सबको बहुत बहुत प्रणाम। और मैं अब ये करता हूं, और ये हम लोग लैंड एक्विजिशन के संबंध में, यानी जो भूमि अधिग्रहण है इसके संबंध में हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट नया आया है, जिसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, 2013 में, और वो 2014 में लागू हुआ, तो उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और अब उसके बाद फिर उसी से रिलेटेड जो और कानून है, तो नेशनल हाईवेज एक्ट, उसको देखा हम लोगों ने। वो देखिए, उसमें जो 2013 का जो कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है, तो उसके सेक्शन 105 के अनुसार उसमें जो शेड्यूल दिया गया है, तो बहुत सारे एक्ट हैं उसमें। जैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक्ट है, सब कुछ है, डिफेंस के लिए है, सब है। लेकिन जो हम लोगों से रिलेटेड है उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो नेशनल हाईवेज को हम लोगों ने देखा, और कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट है, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसको हम लोगों ने देखा। तो पिछली बार उसमें थोड़ा पूरा नहीं हो पाया था लैंड एक्विजिशन, ये कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट, उसको देखे लेते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में अब कोयला धारित काफी भूमिया है जिनका अधिग्रहण या तो हो चुका है, या होने जा रहा है, या भविष्य में होगा, ऐसी ऐसी व्यवस्था है, ऐसा है ये। इसलिए हम लोगों को उसका अध्ययन करना चाहिए। तो हम लोग चलिए मिल बांट के करते हैं, देखते हैं क्या है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा दोहराते हैं। तो एक तो सेक्शन 4 का पहले नोटिफिकेशन होगा, जो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन होगा कोल बियरिंग एरिया एक्ट के अंतर्गत, जैसा जैसा मैंने ये कहा पहले, है कि ये सरकार ये एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि भाई यहाँ यहाँ इन इन भूमियों पर कोयला मिलने की संभावना है, तो जिसका अधिग्रहण किया जा सकता है, इसके लिए है। तो इसमें उस भूमि का एक मोटा मोटी विवरण दिया जाएगा, कोई उसका फाइन उसका वो नहीं किया जाएगा कि भाई यहाँ यहाँ हो सकता है, एक उस क्षेत्र का विवरण दिया जाएगा। सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन हो जाएगा, गजट में होगा, उसके बाद फिर सर्वे होगा, सब कुछ होगा। फिर सेक्शन 7 का नोटिफिकेशन होगा, जब ये पाया जाएगा कि हाँ भाई ये जमीनें इनमें कोयला हो सकता है, सब कुछ है, तो सेक्शन 7 का नोटिफिकेशन होगा। और 7 के नोटिफिकेशन के बाद यदि कोई चाहे तो उसमें ऑब्जेक्शन कर सकता है कि भाई ये इस जमीन का अधिग्रहण न किया जाए, ऐसा उसमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, ऐसी उसमें व्यवस्था है। 7 को ये देखे लेते हैं। और उसमें उसमें जो ऑब्जेक्शन होगा उसकी सुनवाई धारा 8 के अनुसार होगी, धारा 8 में सुनवाई होगी। और सुनवाई का जो निराकरण करेगी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन उसमें बनाई जाएगी, तो आगे सेक्शन 11 में दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना सकती है, और उसमें गवर्नमेंट कंपनी को वेस्ट होगी उसको भी बना सकती है। बहरहाल वो ऑब्जेक्शन जो सुनवाई वो होगी, ऑब्जेक्शन की सुनवाई होगी, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट भेजी जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर जैसा चाहेगी उसके अनुसार वो फिर, यदि वो ऑब्जेक्शन को मानती है, जैसा ऑब्जेक्शन का निराकरण है, नहीं तो फिर उसका फाइनल नोटिफिकेशन सेक्शन 9 के अनुसार होगा। और सेक्शन 9 के अनुसार जब नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो ये मान लिया जाएगा कि इन इन जमीनों का अधिग्रहण कर दिया गया। अब सेक्शन 9 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद ये देखते हैं, क्योंकि सेक्शन 9 के बाद ही हम लोगों का जो रोल है वो चालू होगा ये। तो अब एक बार सेक्शन 9 को पढ़ते हैं। व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट इफ एनी मेड अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 के अनुसार जो ऑब्जेक्शन है जिसका रिपोर्ट जाएगी वो, और उसका हमने बता दिया कि सेक्शन 7 का नोटिफिकेशन सेक्शन 4 के नोटिफिकेशन के 3 साल के भीतर ही होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। उसके बाद यदि किया गया तो वो फिर व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। कि ये महत्वपूर्ण बात है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये है, आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट इफ एनी मेड अंडर सेक्शन 8 दैट एनी लैंड आर एनी राइट इन और ओवर सच लैंड should be acquired, a declaration shall be made by it to that effect, and different declarations may be made from time to time in respect of different parcels of any land or of right in or over such land covered by the same notification under subsection 1
of section 7, irrespective of whether one report or different reports have been or have been made, wherever required under subsection 2 of section 8. मतलब ये कि सेक्शन 7 के नोटिफिकेशन के बाद सेक्शन 8 के अंतर्गत ऑब्जेक्शन का निराकरण करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट फिर सेक्शन 9 के अनुसार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि कौन कौन सी जमीन उसको एक्वायर करनी है। ऐसे नोटिफिकेशन ये कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ ही जारी किए जाएं, वो कई पार्ट पार्ट में हो सकता है कि अभी हम भाई हमको इतनी जमीन चाहिए लेकिन अभी हम इसका इतना हम जमीन एक्वायर कर रहे हैं, हम इतनी जमीन ले रहे हैं, इतनी जमीन ले रहे हैं। उसमें एक राइडर दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट नो डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लैंड आर राइट इन ओवर सच लैंड कवर्ड बाय नोटिफिकेशन सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 इशूड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कोल बियरिंग एरियाज एक्ट शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सब नोटिफिकेशन। मतलब ये कि सेक्शन 7 का जो नोटिफिकेशन है उसके बाद भी जितने भी नोटिफिकेशन हैं तो वो 3 साल के भीतर हो जाने चाहिए। मतलब ये कि सेक्शन 4 के नोटिफिकेशन के बाद सेक्शन 7 का नोटिफिकेशन 3 साल के भीतर होना चाहिए, और इसी तरह से सेक्शन 7 के नोटिफिकेशन के 3 साल के भीतर सेक्शन 9 का नोटिफिकेशन आवश्यक, ये मैंडेटरी। यदि ये नहीं होगा तो वो सारे नोटिफिकेशन व्यर्थ हो जाएंगे। Provided further that where a declaration relates to any land or any right in or over such land belonging to state government which has or have been not leased out, no such declaration shall be made except after previous consultation with the state government. अब ये देखिए, अब तो वो है ही नहीं कोल बेयरिंग वाली जो नोटिफिकेशन, वो तो लीज में दी ही नहीं जा सकती है, लेकिन इसमें ये दिया गया है कि यदि यदि ऐसा ऐसी कोई जमीन है, ऐसी कोई लैंड है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने लीज में पहले ही दे रखा है, ये जब लैंड एक्विजिशन ये आया, कोल बियरिंग एरिया एक्ट ये आया, तो उसमें पहले स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार था कि कोल के लिए लीज दे, उस समय के लिए लागू होता है। तो उसके शायद उसको लिए है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन नहीं हो जाएगा तब तक वो लीज नहीं दिया जाएगा। बहरहाल अब ये स्थिति यहाँ आने वाली है, ठीक है। Every declaration shall be published in the official gazette. Official gazette में publish होना जरूरी है। In any case where land is to be acquired, shall state the district or other territorial division in which the land is situated and its approximate area. ठीक है। Where a plan has been made of the land, the place where such plan may be inspected. मतलब वो जमीन का पूरा विवरण दिया जाएगा, यदि कोई प्लान तैयार किया गया है तो वो प्लान भी कहाँ उपलब्ध होगा ये उस नोटिफिकेशन में वो पूरा विवरण होना आवश्यक है, कौन कौन सी जमीन एक्वायर की जाए। इन एनी केस वेयर राइट इन और ओवर सच लैंड आर टू बी एक्वायर्ड शैल स्टेट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द राइट इन एडिशन टू द मैटर रिलेटिंग टू द मैट टू द लैंड स्पेसिफाइड इन क्लास ए and a copy of every such declaration shall be sent to the state government concerned. ठीक है, अब वो सारी जमीनों का पूरा विवरण दिया जाएगा, किसका कौन सा लिया जाएगा, कौन क्या अधिकार लिए जाएंगे जमीन के, इस सब का विवरण होगा, पूरा विवरण दिया जाना जरूरी है, ठीक है, स्पष्ट है इसमें। अच्छा, सेक्शन 9 है कि स्पेशल पावर ऑफ अर्जेंसी, यदि कोई स्पेशल है तो अब वो सेक्शन 8 की कार्यवाही किए बिना आप पहले ही जमीन केंद्र सरकार ले सकती है, ठीक है। 10 को हमने पहले ही बताया कि ऐसी सारी जमीनें जिनका 9 का सेक्शन 9 के अंतर्गत नोटिफिकेशन होगा तो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, मतलब भार मुक्त होकर के, भार रहित होकर के केंद्र सरकार को मिल जाएगी सारी जमीन, ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट वेस्टिंग ऑफ लैंड आर राइट टू इन गवर्नमेंट कंपनी, कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र के द्वारा जो कंपनियां बनाई गई हैं कोल उत्खनन के लिए, जैसे कोल इंडिया
अब कोल इंडिया की अनुसांगिक कंपनियां है, जैसे मान लीजिए यहाँ नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड है, आप इधर चले जाएंगे शहडोल उमरिया बिलासपुर चले जाएंगे तो वहाँ SECL है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड वहाँ है। बिहार की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ ईस्टर्न कोल फील्ड्स है। आप वहाँ जाएंगे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहाँ सदर्न कोल फील्ड्स है। तो इस तरह से ऐसी जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं तो वो उस जमीन को प्राप्त करेंगी, वहां उनको वेस्ट हो जाएगी ऐसा मान, कि बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट के, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनियां तैयार की गई हैं, जिनको खड़ा किया गया है, जिनका जिनको गठन किया गया है, उनको जमीन मिल जाएगी सारी जमीन, जैसा अभी हो रहा है। सारी जमीनें जो यहाँ एक्वायर की जा रही हैं तो ये किसी न किसी गवर्नमेंट कंपनी को है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो ये चाहे वो नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड हो, चाहे SECL हो, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड हो, चाहे वो ये है ईस्टर्न कोल फील्ड्स हो, इस तरह से ये है, इस तरह से उन कंपनियों को ये मिल जाएगी, जमीनें मिलेंगी, ऐसा ये माना जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, ऐसा ये है। अब जब ये सब हो जाएगा तो पावर टू टेक पोजीशन ऑफ लैंड अब एक्वायर, जब लैंड एक्वायर की जाएगी तो उसका पोजीशन ले लिया जाएगा। एक शब्द इसमें महत्वपूर्ण है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाई नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन इन पोजीशन ऑफ लैंड। आप देखिए यहाँ पर नोटिस है, अभी तक नोटिस वोटिस कहीं है आया नहीं, कि जो व्यक्ति कब्जे में है जमीन की उसको नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में बाई नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन इन पोजिशन ऑफ एनी लैंड रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट टू सरेंडर और डिलीवर पोजिशन ऑफ द लैंड विद इन सच पीरियड एज मे स्पेसिफाइड इन द नोटिस। If a person refuses or fails to comply with such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land, and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary. ठीक, मतलब ये कि अब वो जो भी भूमि के कब्जे में है उनको सबको नोटिस जाएगा कि भाई आप कब्जा दे, सेक्शन 9 का नोटिफिकेशन। यदि वो कब्जा नहीं देता है तो बाई फोर्स भी कब्जा लिया जा सकता है। ठीक है, अब ये नोटिस यहाँ आई। अब फिर इसके बाद कंपनसेशन का है, तो 13 का जो कंपनसेशन है, तो जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस देख दिन को दिया गया है, जब ये लैंड ये आया कोल बियरिंग एरिया एक्ट आया, उस समय ऐसी बहुत सारी जमीनें, अब बहुत सारी जमीनें सरकार के द्वारा एक्वायर कर ली गई जिनमें कोयला खनने का लाइसेंस सरकार के वो राज्य सरकार ने पहले ही दे रखा था किसी, और उनमें खदानी चल रही थी। ऐसा बिहार में बहुत ज्यादा था, बिहार में प्राइवेट खदाने बहुत अधिक थी, और वो बाद में सब एक्वायर की गई। ठीक है, तो जब वो सब एक्वायर की गई तो उनको कंपनसेशन देने का है कि क्या क्या कंपनसेशन दिया जाएगा, इसको हम ज्यादा इसका अध्ययन नहीं करेंगे, इसलिए कि ये वो जो खदानें थी जिनका एक्विजिशन हो गया, वैसी कोई खदान रह नहीं गई, उनका और सरकार के बीच का मामला है, जो आम आदमी है उससे इसका लेना देना नहीं है, हम लोगों से इसका बहुत संबंध नहीं। ठीक है, तो इसको ये तो कर लिया गया, ये माइनिंग लीज का ये हो गया। अब फिर हम लोग 14 में आते हैं, मेथड ऑफ डिटरमिनिंग कंपनसेशन, वेयर द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन पेबल अंडर दिस एक्ट कैन बी फिक्स्ड बाय एग्रीमेंट, इट शैल बी पेड इन अकॉर्डिंग विद सच एग्रीमेंट। ठीक है, अब यदि आपसी समझौते से और ये तय किया गया कि क्या मुआवजे की राशि होनी चाहिए तो उस मुआवजे का निर्धारण वो कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये समझौता हो गया तो ठीक है, वेयर नो सच। अब लेकिन यदि अब मान लीजिए जिसकी जमीन ली जा रही है और कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बीच में हो गया कि भाई वो उन्होंने कहा कि हम आपको ये मुआवजा देंगे, हमने वो मंजूर कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन यदि नहीं ये मंजूर किया गया तब फिर ये आएगा, फिर ये आएगा मैटर यहाँ पे आएगा। वेयर नो सच एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड, द
the central government shall constitute a tribunal consisting of a person who is or has been or is qualified to be a judge of high court for the purpose of determining the amount. ये सबसे महत्वपूर्ण है हम लोगों के, ठीक है? मतलब ये कि जहां इस तरह से एग्रीमेंट नहीं होगा तो ऐसे विवाद को निपटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। अब वो ट्रिब्यूनल में कौन व्यक्ति हो सकता है? जो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट जज होने की पात्रता रखता हो, ये महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हाई कोर्ट के जज का को नहीं मिले, है ना? कंसिस्टिंग हु इज आर हैज बीन आर इज क्वालिफाइड। अब पहला है कि हु इज, कि जो हाई कोर्ट का जज हो, या हु हैज बीन या हाई कोर्ट का जज रहा हो, या हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट, या जो हाई कोर्ट का जज होने की क्वालिफिकेशन रखता हो, ऐसा ट्रिब्यूनल का उसका वो बनाया जा सकता है, उसका हेड बनाया जा सकता है ना? तो अब आम तौर पर इसमें डिस्ट्रिक्ट जज को बनाया जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज को यह माना जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जज इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए हाई कोर्ट जज। एक डिस्ट्रिक्ट जज को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, ही इज क्वालिफाइड इन दैट, है ना? आम तौर पर यही होता है अपने सीधी में या मिर्जापुर में या जहां कहीं भी ये ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, तो वहां तो इस तरह के हैं, ये ऐसे बनाए गए, ठीक है? इसमें कोई ज्यादा विवाद की बात नहीं है, हम लोगों का मैटर भी नहीं है। आम तौर पर डिस्ट्रिक्ट जज को बनाया जाता है, जहां बहुत ज्यादा हो गए तो किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को ही बना दिया जाएगा, कुछ बना दिया जाएगा, ऐसा कहीं दूसरी, यहां तो डिस्ट्रिक्ट जज को बनाया जाता है, ठीक है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन एनी पर्टिकुलर केस नॉमिनेट अ पर्सन हैविंग एक्सपर्ट नॉलेज इन माइनिंग टू असिस्ट द ट्रिब्यूनल एंड वेयर सच नॉमिनेशन इज मेड the person or persons interested may also nominate any other person for the same purpose. अब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे तो ट्रिब्यूनल की सहायता के लिए, ठीक है, जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसकी सहायता के लिए एक किसी एक्सपर्ट को या कई एक्सपर्ट को नॉमिनेट कर सकते हैं, अब वो और भी कर सकते हैं क्योंकि वो असिस्ट करेंगे ना। लेकिन आम तौर पर कंपनसेशन के मामले में नहीं होता है, ये सब बना तो दिया गया कि जब माइनिंग वगैरह का जो लीज जब एक्वायर होगी, जिसमें ऑलरेडी कोल माइनिंग चल रही है, उसके लिए ये आवश्यक था कि उसमें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, भाई इन्होंने कितना खर्चा कर दिया, कितना क्या कर दिया, इसमें कितना कोयला था, कितना लागू हो सकता था, कैसा हो सकता था, ये उनके लिए है। एनीवे उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। At the commencement of the proceeding before the tribunal, अब चार है हम लोगों का, बिफोर द ट्रिब्यूनल द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पर्सन इंटरेस्टेड शैल स्टेट व्हाट इन देयर रिस्पेक्टिव ओपिनियन इज अ फेयर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक। अब ये महत्वपूर्ण है। अब जब ट्रिब्यूनल के सामने कोई मामला आएगा तो वहां ये बताया जाएगा कि क्या फेयर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है, ये बताना पड़ेगा, ठीक। कौन कौन बताएगा? एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल, जब ट्रिब्यूनल के सामने प्रोसीडिंग चली, अब जब एग्रीमेंट नहीं हुआ, यदि कंपनसेशन के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई सहमत नहीं हुई, तो मामला आएगा ट्रिब्यूनल में, आएगा वो रेफर करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा मामला, तो वहां दोनों के द्वारा ये बताया जाएगा, ठीक है ना? बताएगा एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसने बताया है कोई गवर्नमेंट कंपनी है वो बताएगी, एंड द पर्सन इंटरेस्टेड, और जो दावा कर रहा है उस जमीन पर वो उसको भी बताना पड़ेगा, चाहे स्टेट व्हाट इन देयर रिस्पेक्टिव ओपिनियन इज अ फेयर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, मतलब वो अपना दावा पेश करेंगे, मुख्य बात ये सीधी बात। तो उसकी ओर से भी आएगा कंपनी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी आएगा ट्रिब्यूनल में, और जो दावेदार है उसकी ओर से भी क्लेम आएगा। यही महत्वपूर्ण है, ये क्लेम, विस्तृत क्लेम पेश किया जाना चाहिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रिब्यूनल में जैसा ही कोई मामला आएगा,
तो ट्रिब्यूनल में का मामला आने के साथ ही और ये बताया जाना चाहिए कि व्हाट इज द फेयर कंपनसेशन, क्या हमको मुआवजा प्राप्त होना चाहिए, इसका विस्तृत विवरण देना पड़ेगा, मतलब दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसी के आधार पर भी वो तो ट्रिब्यूनल तय करेगा कि भाई आप जो दावा कर रहे हैं वो सही है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि ये अमाउंट होना चाहिए कंपनसेशन का वो सही है, ये तय किया जाएगा। ठीक, द ट्रिब्यूनल शैल आफ्टर हियरिंग द डिस्प्यूट मेक एन अवार्ड डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच अपीयर्स टू बी जस्ट एंड स्पेसिफाई द पर्सन और पर्संस टू हूम द कंपनसेशन शैल बी पेड एंड मेकिंग द अवार्ड द ट्रिब्यूनल शैल हैव रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस एंड टू द फॉर गोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट to with respect to the manner in which the amount of compensation shall be determined in so far as the said provisions or any of them may be applicable। अब जब ये हो जाएगा तो सुनवाई के पश्चात जो ट्रिब्यूनल है वो बताएगा कि क्या फेयर कंपनसेशन, क्या उसके हिसाब से एक सही मुआवजे की राशि होगी, सुनवाई होगी इसकी इसकी बात। ठीक, द ट्रिब्यूनल शैल आफ्टर हियरिंग द डिस्प्यूट, हियरिंग शब्द है इसमें मतलब सुनवाई करेगा, ऐसा नहीं कर देगा कि आपने क्लेम पेश किया और उधर सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गया बस वो डिटर, हियरिंग होगा वो। अ डिस्प्यूट हियरिंग मतलब जब दो डिस्प्यूट है, दोनों मुआवजे हैं, इनमें कोई भिन्नता है तो इसका मतलब डिस्प्यूट है, तो उसकी सुनवाई की जाएगी, विधिवत सुनवाई की जाएगी और सुनवाई के पश्चात ये इस पर तय किया जाएगा कि क्या फेयर कंपनसेशन होगा, मुआवजे की कितनी राशि किसको प्राप्त होगी ये भी डिटरमिन किया जाएगा, अपोर्शनमेंट भी होगा किसको कितना है। इसका मतलब ये एक जमीन के संबंध में ये 15 लोग दावे कर रहे हैं तो उन 15 लोगों में से ये सब आएगा, ये ट्रिब्यूनल ही तय करेगा उन 15 लोगों में से कितने लोगों को मिलना चाहिए, यदि 15 को मिलना है तो किसको कितनी राशि मिलेगी ये आएगा, यदि ये भी नहीं है तो कहाँ कितना किसको मिलेगा, किसको इतना परसेंट मिलेगा, इसको किसको इतना परसेंट मिलेगा, ये सब ट्रिब्यूनल तय। मतलब ये कि सिविल कोर्ट का जो दीवानी एक अदालत है उसका जो जैसा निर्णय होना चाहिए टाइटल के संबंध में भाई तो वही तो डिसाइड होगा ना। आप उसको इस ढंग से देखिए कि यदि किसी जमीन के हम कहते हैं कि भाई मालिक हम हैं, दूसरा आदमी कहता है कि नहीं मालिक हम नहीं है, हम बल्कि वो है, या दूसरा कहता है कि नहीं ये आधे के ही मालिक हैं आधे के हम, डिस्प्यूट हो गया, तो ये डिस्प्यूट का निराकरण है, ये सिविल मैटर हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ये इसका निराकरण भी ट्रिब्यूनल ही करेगा कि इस जमीन का मालिक कौन है और किसको कितना परसेंट मिलना चाहिए, यह सब सारा तय करेगा। मतलब एक सिविल सूट में जिस तरह से टाइटल का निराकरण उसी प्रकार से ट्रिब्यूनल के समक्ष भी निराकरण होगा, टाइटल का, स्वत्व का निराकरण, उसी के आधार पर तो कंपनसेशन मिलेगा ही, उसी का सिविल सूट इसमें इसीलिए बार्ड किया गया, सिविल सूट नहीं होने होगा। ठीक है, द ट्रिब्यूनल फिर से इसको पढ़ते हैं, यही 5-14-5 ही, द ट्रिब्यूनल शैल आफ्टर हियरिंग द डिस्प्यूट मेक एन अवार्ड डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, वो अमाउंट तय करेगा which appears to be just, जो उसके अनुसार उचित हो, and specify the person, और वो बताएगा कि किस व्यक्ति को, person or persons to whom the compensation shall be paid, ये बताएगा किसको किस किस व्यक्ति को compensation मिलेगा। ठीक है, and in making the award the tribunal shall have regard to the circumstances of each case and to the foregoing provisions of this act in respect with respect to the manner in which the amount of compensation shall be determined so far as such provisions of them may be applicable। मतलब ये कि जो बताया गया है कि कैसे कैसे मुआवजे का निर्धारण होगा, किसकी मान लीजिए आजीविका छीन रही है, कुछ भी हो रहा है, कैसा हो रहा है, और दूसरे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जितने भी लोग प्रभावित हैं, किसी की जमीन दूसरे की है, मकान दूसरे का है, किसका किसका हित प्रभावित हो रहा है, ऐसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को कितनी राशि मुआवजे की मिलनी चाहिए, ये सारी बातों का निराकरण ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाए। ठीक,
that entire proceeding of the tribunal shall be tried as a civil suit. And the entire civil suit shall determine the right of the parties. That shall be final decision. So every proceeding before the tribunal will be a proceeding like a civil suit, like a civil court. इसमें आगे दिया भी है सबको, ठीक है. Where there is a dispute as to person or persons entitled to compensation, and the tribunal finds that more persons than one are entitled to compensation, it shall apportion the amount thereof among such person and in such manner as it thinks fit. जैसा मैंने कहा कि यदि किसी अधिक एक से अधिक व्यक्ति हैं तो किसको कितना मिलना चाहिए उसका विभाजन ट्रिब्यूनल करेगा. ये किसको कितना मिलना चाहिए और इसको क्लियर कर दिया है. अब इसमें क्या है कि आर्बिट्रेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है वो लागू नहीं होंगे. अब यही देख लीजिए जो नेशनल हाईवेज एक्ट में है तो उसमें ये है कि आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस लागू होंगे. जब आर्बिट्रेटर को मैटर भेजा जाएगा नेशनल हाईवेज एक्ट में कि कोई जमीन एक्वायर की जाती है और ऐसा डिस्प्यूट होता है भाई इसमें जो प्रतिकर की राशि निर्धारित की गई है तो वो राशि सही नहीं है हमको और चाहिए तो वो मैटर रेफर किया जाएगा आर्बिट्रेटर को. आर्बिट्रेटर जैसा मैंने बताया कि आमतौर पर कमिश्नर को बताया जाता है वो भेजा जाता है. तो वहां क्या है कि आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस लागू होंगे, ठीक है. यहां इन्होंने बार कर दिया है कि आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं. वो इसलिए कर दिया गया कि जब डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड कर रहा है मैटर को तो डिस्ट्रिक्ट जज तो ही इज प्रिंसिपल प्रिंसिपल जज ऑफ द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाईएस्ट जज जो है ना. तो वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बीइंग तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, तो इसलिए उसको सब वो निर्धारित करने का खुद ही अधिकार है आर्बिट्रेशन एक्ट की. इसमें कोई तो उसको बार कर दिया गया. अब आगे इसमें क्या है, द ट्रिब्यूनल इन द प्रोसीडिंग बिफोर इट शैल हैव ऑल द पावर विच अ सिविल कोर्ट हैज व्हाइल ट्राइंग अ सूट अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. अब उसमें देखिए स्पष्ट कर दे जो बात मैंने पहले कही वही कि सिविल प्रोसीजर कोड के सारे प्रोविजंस लागू होंगे. मतलब एक सिविल सूट को निर्णीत करने के लिए जो प्रक्रिया जो प्रोविजंस लागू होंगे सिविल प्रोसीजर कोड में वो सारे इसमें लागू होंगे. तो सिविल सूट जैसा ही इसका निराकरण होगा, ठीक है. समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन इन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, reception of evidence on affidavits, requisitioning any public record from any court or office, and issuing commission for examination of witnesses. और सिविल कोर्ट को यही तो अधिकार, ये सारे अधिकार दे दिए, सब कुछ होगा उस पर, कुछ कुछ इसमें ऐसी बात नहीं, ठीक. Every award made by the tribunal shall also state the amount of cost incurred in the proceeding before it by what person in what proportion they are to be paid. अब उसमें कास्ट जैसा सिविल सूट में होता है कि उसका खर्चा किस कौन देगा, वादी देगा प्रतिवादी देगा, इसी तरह से इसमें भी है. तो जिसके पक्ष में होगा उसके विरोधी पक्ष को कास्ट देना पड़ेगा. अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट 16 सेक्शन 16 को है तो इंटरेस्ट ऑन अवार्ड. तो अब इंटरेस्ट ऑन अवार्ड को देखिए, ये अब इसका कोई बहुत महत्व नहीं रह गया, इसमें तो केवल 5% इंटरेस्ट दिलाने के लिए रह गया है, ये अब लागू नहीं होगा. ये सारे प्रोविजंस जो 2013 का जो एक्ट है तो उसके अनुसार सब होगा, ये अब ये बेकार हो गया है क्योंकि उसमें ये उसको ओवरराइड करेगा. ये अब इसमें जो 5% दिलाया गया है कि 5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा वो अब लागू नहीं होगा. उसमें 12% या 18% जो भी है वो भी होगा, है ना, ये अब सब लागू नहीं होगा. अब फिर सेक्शन 17 है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं. पेमेंट कैसे, एनी कंपनसेशन पेबल अंडर दिस एक्ट में बी टेंडर्ड
are paid to the person interested entitled thereto, and the central government shall pay it to them unless prevented by one or more of the contingencies mentioned in subsection 2. मतलब ये कि जो भी मुआवजे की राशि है तो जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है तो उसको तुरंत उसका भुगतान किया जाएगा. ठीक, कब कब नहीं किया जाएगा? अब देखिए इसमें आगे है कि किन स्थितियों में नहीं किया जाएगा. इफ द पर्सन इंटरेस्टेड इंटाइटल देयर टू शैल नॉट कंसेंट टू रिसीव इट, or if there be any dispute as the sufficiency of the amount of compensation or the title to receive it or the apportionment thereof, the central government shall deposit the amount of compensation with the tribunal. ये महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग फिर से अलग अलग करके देखते हैं. कब कब भुगतान नहीं होगा, कब नहीं होगा? If the person interested entitled thereto shall not consent to receive it, जो मुआवजा दिया गया हम उससे सहमत नहीं है, ठीक है, तब भुगतान नहीं किया जाएगा. भाई हम कह रहे हैं कि नहीं हमको मुआवजा और मिलना चाहिए, हम नहीं ले रहे हैं साहब आपको, जब नहीं दिया जाएगा. और फिर है, if there is any dispute as to the sufficiency of amount of compensation, या ऐसा डिस्प्यूट है कि जो अमाउंट है कंपनसेशन का वो सफिशियंट नहीं है. सफिशियंसी का जो है डिस्प्यूट मतलब पर्याप्त रकम नहीं, आपने जो मुआवजा निर्धारित किया वो पर्याप्त नहीं है. दोनों लगभग एक ही चीज है, या तो हमने कंसेंट नहीं दिया, भाई आपने जो निर्धारित किया उसके लिए हमारा कंसेंट नहीं है, या हम चाह रहे हैं कि ठीक है लेकिन आपने जो निर्धारित किया है वो सफिशियंट नहीं है, ठीक है वो उस समय नहीं होगा. आर द टाइटल टू रिसीव इट, या जिस व्यक्ति को वो मिलना चाहिए उसके संबंध में डिस्प्यूट है, ठीक है. आर द टाइटल टू रिसीव इट, आर द अपोर्शनमेंट देयर ऑफ, काहे का डिस्प्यूट, शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन विद द ट्रिब्यूनल. डिस्प्यूट का है, काहे का है? इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, अब डिस्प्यूट है पहले क्या है कि कंसेंट की है, शैल नॉट कंसेंट. एक डिस्प्यूट काहे का है कि जो मुआवजा है वो सफिशियंट नहीं है, या तो ये डिस्प्यूट है, या जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया उसकी टाइटल के संबंध में, उसके स्वत्व के संबंध में डिस्प्यूट है, तब नहीं दिया जाएगा, ठीक. या किसको कितना मिलना चाहिए इसके संबंध में डिस्प्यूट है, भाई कोई ये कह रहा है कि हमको पूरा मिलना चाहिए, कोई कहता है नहीं आधा मिलना चाहिए, हमको चौथाई मिलना चाहिए, या जो कुछ भी है इसके संबंध में डिस्प्यूट है. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विद द ट्रिब्यूनल. ऐसी स्थिति में जहां ऐसी इतनी बातें होंगी, जो जो कंपनसेशन की रकम है तो उसका उसको डिपॉजिट किया जाए, कर दिया जाएगा ट्रिब्यूनल के पास डिपॉजिट कर दिया जाएगा. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो तुरंत पीछा छुड़ा लेगी, ये मान लीजिए ऐसा प्रोविजन कर दिया गया, या तो आप पैसा रकम ले लीजिए और नहीं तो फिर वो वहां डिपॉजिट कर दिया जाएगा यदि कोई तरह का डिस्प्यूट है. मतलब ये कि उनको ब्याज न देना पड़े या कुछ न देना पड़े, इसके लिए सब वो इस तरह से हो जाएगा. ये ऐसा है, यहाँ सीधी में अब तो शायद रकम वहां चली गई होगी, यहाँ सीधी में मेरा ख्याल है कि 10-20 करोड़ रुपए जमा थे ट्रिब्यूनल में, इनका कोई दे दावेदार ही नहीं था, चले गए वो, किसी को पता ही नहीं है. चलिए ये सब अलग बातें हैं. फिर इसमें क्या है, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन एडमिटेड टू बी इंटरेस्टेड मे रिसीव सच पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट एज टू द सफिशियंसी ऑफ द अमाउंट. अब इसमें है ये कि यदि कोई भी व्यक्ति उस मुआवजे को प्राप्त करने का अधिकारी है ना, उसका है, लेकिन डिस्प्यूट केवल सफिशियंसी के संबंध में है, मतलब उसके पर्याप्तता के बारे में है कि वो जो रकम मुआवजे के तय की गई है वो पर्याप्त नहीं है. यदि केवल ये डिस्प्यूट है तो ऐसी स्थिति में वो अंडर प्रोटेस्ट वो रकम को ले सकता है, ठीक है, तब भी वो मामला चलता रहेगा.
रकम वो ले लेगा, अंडर प्रोटेस्ट इसको लेना पड़ेगा। भाई वो प्रोटेस्ट, भाई हम ये रकम तो ले रहे हैं लेकिन हम ये इस प्रोटेस्ट के साथ ले रहे हैं कि ये जो रकम हमको मुआवजे की दी जा रही है ये सफिशियंट नहीं है, ये पर्याप्त रकम नहीं है, प्रतिकर की राशि पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए हमारा वो डिस्प्यूट बिफोर द ट्रिब्यूनल इट शैल कंटिन्यू, और इसके बावजूद हम वो रकम दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए तीन महत्वपूर्ण है। When the amount of compensation is not paid or deposited as required by this section, the central government shall be liable to pay interest thereon at the rate of 5% per annum from the time the compensation became due until it shall have been so paid or deposited. अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा देख लें, अभी मैं छूट गया। Provided that also no person who has received the amount otherwise, पहले अभी देखते हैं पहले वाले, एक तो ये कि under processed हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, provided that where no such person received the amount, that every person who claims to be interested person otherwise such person who has been admitted or interested including person referred shall be to prefer a claim before the tribunal. Provided further that every person who claims to be an interested person, whether such person has been admitted to be interested or not, including the person referred to in that proceeding provisio, shall be entitled to prefer a claim for compensation before the tribunal. अब ये पहले आ गया कि देखिए यदि कोई भी व्यक्ति under protest लेता है, पहले आया provided that any person admitted to be interested may receive such payment under protest as the sufficiency of the amount. जो amount के sufficiency के संबंध में केवल dispute है तो वो under protest वो रकम प्राप्त कर सकता है। ठीक, फिर उसमें क्या है, every person who claims to be interested person, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कहता है कि हमारा इसमें हित है, whether such person has been admitted to be interested or not, चाहे उसको स्वीकार किया गया हो ना स्वीकार किया गया हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो उसने भले ही उसको इंटरेस्टेड पर्सन ना माना, लेकिन यदि वो मानता है कि जो जमीन एक्वायर की जा रही है एक्वायर की गई है तो उसमें हमारा भी हित है, ठीक है, इंक्लूडिंग द पर्सन रेफर्ड टू इन प्रोसीडिंग प्रोविजो शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेफर अ क्लेम फॉर कंपनसेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल। मतलब ये कि जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड उसमें माना गया हो या इंटरेस्टेड ना माना गया हो, मतलब ये कि हम कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति इस जमीन पे हमारा दावा है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती है कि नहीं हम आपको इस जमीन का स्वत्वाधिकारी नहीं मान रहे हैं तो इसलिए आपका दावा हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में तब भी हम ट्रिब्यूनल के सामने अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड हु सेज दैट आई एम इंटरेस्टेड वो उसको अधिकार है कि वो अपना क्लेम पेश करे, ऐसा भी व्यक्ति जिसने अंडर प्रोटेस्ट रकम प्राप्त कर ली, ठीक, वो भी क्लेम कर सकता है, वो भी करेगा, भाई हमको जो रकम मिली वो सफिशियंट नहीं है, वो आदमी भी क्लेम पेश प्रस्तुत कर सकता है, वो व्यक्ति भी क्लेम प्रस्तुत कर सकता है जिसने दावा किया लेकिन उसका दावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ने स्वीकार नहीं किया, वो व्यक्ति भी दावा कर सकता है ट्रिब्यूनल के सामने कि साहब हमारा दावा भले स्वीकार ना किया गया हो लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं, हमको भी इसमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, हम भी हितधारी हैं, वो भी कर सकता है, शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेफर ए क्लेम फॉर कंपनसेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल provided that also no person who has received the amount otherwise than under protest shall be entitled to prefer any such claim before the tribunal. आप देखिए महत्वपूर्ण ये है, ये भी देखना चाहिए कि यदि किसी ने बिना आपत्ति के और मुआवजे की रकम प्राप्त कर ली हो तो वो फिर दावा नहीं कर सकता है ट्रिब्यूनल के सामने, तो सबको ये सतर्क करना चाहिए कि आप अंडर प्रोटेस्ट यदि दावा करना है तो यदि किसी का मुआवजे का निर्धारण हो गया तो जो भी निर्धारण हुआ उसको ले लीजिए लेकिन अंडर प्रोटेस्ट लीजिए, ठीक है।
यदि अंडर प्रोटेस्ट नहीं लिया तो फिर आपका दावा ट्रिब्यूनल में नहीं चल सकता, इसी आधार पर दावा आपका खारिज हो जाएगा। फिर ये चीजें क्लियर हो गई कि पहली चीज ये कि यदि अमाउंट सफिशियंट नहीं है कंपनसेशन का तब भी क्लेम हो सकता है ट्रिब्यूनल के सामने, किसको कितनी रकम प्राप्त होने चाहिए इस डिस्प्यूट के लिए भी क्लेम हो सकता है, ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं मिला तब भी क्लेम हो सकता है, और किसी ने रकम प्राप्त कर लिया हो अंडर प्रोटेस्ट वो भी दावा कर सकता है। लेकिन यदि किसी ने बिना विरोध के बिना प्रोटेस्ट के कंपनसेशन की रकम प्राप्त कर ली हो तो फिर उसको अधिकार नहीं है, फिर दावा उसका नहीं चल सकता, एक जायज बात है। फिर थ्री देखते हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज नॉट पेड आर डिपॉजिटेड एज रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फ्रॉम द टाइम ऑफ कंपनसेशन बिकेम ड्यू अंटिल इट शैल हैव बीन पेड आर डिपॉजिटेड। कि यदि देरी होती है कंपनसेशन के भुगतान में सेंट्रल गवर्नमेंट से तो उसको 5% का इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये इंटरेस्ट की रकम बढ़ जाएगी और ट्रिब्यूनल को ये अधिकार होगा कि वो रकम बढ़ाए, ठीक है। अब ये सेक्शन 17 हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण है और सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी आधार पर ट्रिब्यूनल जो है वो सब सारी कार्यवाही करेगा, तब ये होना चाहिए। और फिर तो 22-18-18 ए पावर टू डेलीगेट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को डेलीगेट कर सकते हैं इसके लिए। अब इसमें हाई कोर्ट में अपील, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये जो ट्रिब्यूनल का यदि कोई फैसला है यदि किसी व्यक्ति को वो स्वीकार नहीं है तो उसके खिलाफ वो जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सामान्य बात है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला है, डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा मामला, क्योंकि द पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ ट्रिब्यूनल शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज, है ना, हाई कोर्ट जज नहीं है लेकिन ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो हम लोगों ने इसको देख लिया, तो बाकी तो इसमें सब है ही है। और जैसा जैसा मैंने कहा इस एक्ट में बाकी सारी बातें हैं लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया जो हम लोगों को मतलब है। और 26 एक बार देख लें, इसमें जो सिविल कोर्ट का है उसका जुरिस्डिक्शन बार किया गया है, सेव अदरवाइज सेक्शन 26 है, सेव अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर एनी अदर पर्सन एम्पावर्ड बाय आर अंडर दिस एक्ट टू डिटरमिन। बस सिविल कोर्ट को अधिकार इसमें नहीं रह गया, सामान्य बात है, सिविल कोर्ट ये नहीं देख सकती है कि जो एक्विजिशन की कार्यवाही की जा रही है ये सही है या नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उससे कोयला निकल सकता है यही नहीं निकल सकता है ये सिविल कोर्ट नहीं देख सकती है, किसको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए ये सिविल कोर्ट नहीं दे सकती है, ये सारी सारा जो बातें हैं ये सिविल कोर्ट को देखने का अधिकार नहीं है, सिविल सूट को तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया गया ना सब, और डिस्ट्रिक्ट जज को सारे सिविल कोर्ट के पावर्स दे दिए गए इसलिए इसको बात कर दिया गया, बिल्कुल रीजनेबल। तो हम लोग काफी हम लोगों ने इसको देख लिया, अब मुझे ये लगता है कि इन में थोड़ा सा कंपनसेशन के बारे में देख लें, तो जैसा 105 में दिया गया है 102.3.4.5 जो 2013 का है एक्ट है, तो उसके लिए जैसा दिया गया है कि जहां तक बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं उसके तो वो सारे नेशनल हाईवेज एक्ट में भी लागू होंगे और यहां भी लागू होंगे, जो कोल बियरिंग एरियाज एक्ट है उसमें भी लागू होंगे, ठीक है, उसमें उसमें हम लोग ये देख सकते हैं। अब उसमें कुछ नहीं है, एक एक ये बात है इसमें क्या अंतर होगा। देखिए कोल बियरिंग एरियाज एक्ट में किसी व्यक्ति को
जो दावा है वो दावा कहाँ करना पड़ेगा, जो ट्रिब्यूनल है वहीं दावा दायर करना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष दावा दायर करने की उसकी जरूरत नहीं है, क्लेम पेश करने की जरूरत नहीं है, बस वो केवल ये कहने की जरूरत है कि भाई जो इसमें मुआवजे की राशि तय की गई वो मुआवजे की राशि पर्याप्त नहीं है, ठीक है, ये वहीं देना पड़ेगा आपको, ट्रिब्यूनल में ही देना पड़ेगा, दावा वहीं लगेगा, बाकी देने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये जो राइट टू फेयर कंपनसेशन और रिसेटलमेंट एक्ट 2013 का है, तो इसमें सेक्शन 64 क्या कहता है कि ये आपको दावा, आपको जो भू अर्जन अधिकारी है, कलेक्टर है, उसी के समक्ष पेश करना पड़ेगा। सेक्शन 64 को दोनों में अंतर है, देखिए ये, इसलिए मैंने कहा इसका हम लोग एक बार अध्ययन कर लें, एक बार सेक्शन 64 को हम लोग फिर पढ़ते हैं। एनी पर्सन इंटरेस्टेड हु हैज नॉट एक्सेप्टेड द अवार्ड may by written application to the collector require that matter may be referred by the collector for the determination of the authority as the case may be। अथॉरिटी कौन होगी, वही जो कमिश्नर को बनाया जाएगा जिसको मैटर रेफर किया जाएगा, अथॉरिटी एज द केस में भी, वेदर हिज ऑब्जेक्शन टू बी टू द मेजरमेंट, उसका वेदर हिज ऑब्जेक्शन बी टू द मेजरमेंट ऑफ द लैंड, भूमि के भूमि की नापजोक के संबंध में यदि वो ऑब्जेक्शन है उसके संबंध में, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन या जो कंपनसेशन की राशि तय की गई है उसके संबंध में विवाद हो, उसके संबंध में, द पर्सन टू हुम इट इज टेबल, ये किसको रकम मिलनी चाहिए इसके। हाँ आवाज आ रही है बिल्कुल, अब ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल है, अच्छा तो एक बार सेक्शन 64 पढ़ते हैं हम लोग के, ये चूंकि महत्वपूर्ण है, तीनों में क्या अंतर है ये है। एनी पर्सन इंटरेस्टेड हु हैज नॉट एक्सेप्टेड द अवार्ड में बाई रिटन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर रिक्वायर्ड दैट मैटर बी रेफर्ड बाई द कलेक्टर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी एज द केस में, वेदर हिज मेजरमेंट ऑफ द लैंड, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, the person to whom it is payable, the rights of the rehabilitation and resettlement under chapter 5 and 6 or the apportionment of the compensation among the person interested। तो इन बिंदुओं पर वो देना आवश्यक है, ऑब्जेक्शन करना जरूरी, provided that a collector shall within a period of 30 days from the date of receipt of application make a reference to the appropriate authority, provided for that where the collector fails to make such a reference within the period so specified the applicant may apply to the authority। aap arbitrator ke samaksh nahi denge objection, collector ke samaksh hi diya jayega objection, in writing diya jayega, usme bataya jayega कि हमको मुआवजे की राशि के संबंध में आपत्ति है या जमीन की नापजोक के संबंध में आपत्ति है या जिस जमीन का इसमें मुआवजा दिया जा रहा है तो उसके। अब मेरे ख्याल से नेट प्रॉब्लम कर रहा है बार बार, तो हेलो, हाँ वो नेट प्रॉब्लम कर रहा है, ये नेट प्रॉब्लम कर रहा है, नेट प्रॉब्लम है ये, तो इसके वजह से लगता है एंड करना। अच्छा, इसको वो इसमें क्या है, यदि आवाज सुनाई दे रही हो हम फिर कभी देख लेंगे। हाँ। कि ये सेक्शन 64 के अनुसार कलेक्टर को ही इन राइटिंग एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, और कोल बियरिंग एरिया एक्ट में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, कोल बियरिंग एरिया एक्ट में तो जो ट्रिब्यूनल है उसको देना पड़ेगा। आप आवाज नहीं आ रही है, नहीं तो थोड़ा सा उसको भी बताते हैं कि नेशनल हाईवे एक्ट में क्या है, नेशनल हाईवे एक्ट में क्या है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो उसको उसको भी क्लेम देना पड़ेगा, वही देना पड़ेगा क्लेम, जैसा इसमें है। हेलो, आगे तो फिर वो नवरात्रि या दशहरा है, तो अगले संडे को नहीं रखेंगे, फिर
फिर इसके बाद आगे फिर हम लोग देखेंगे। और आज थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है, अपना ब्रॉडबैंड चल नहीं रहा, ये आवाज आ रही सुनाई दे रही हो, बिजली नहीं भी नहीं है, इन्वर्टर के मत्थे हम लोग चला रहे हैं किसी तरह से। एनीवे, तो सबको बहुत बहुत प्रणाम, अब फिर आगे फिर मिलते हैं, ठीक है उत्कर्ष? जी जी ठीक है, एंड करता हूँ उसको मैं। थैंक यू एवरीवन। हाँ अब उसको एंड करो, इसलिए कि वो प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम, मजा नहीं आ रहा। हाँ डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार, आवाज़ नहीं आ रही प्रॉपर।